तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एंटरटॉक क्लब के फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइज आज का ये वीडियो जो है ये मतलब यूट्यूब हिस्ट्री में सबसे एक यूनिक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो बैकग्राउंड में जितने भी वीडियोस ऐड किए वो बिना विदाउट डाउनलोडेड हैं। ये सारे वीडियोस मेरे सेल्फ रिकॉर्डेड हैं और मैं इसलिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मतलब मेरा ऐसा एक ट्राई है कि मैं जो भी पॉइंट आपको समझाऊँ, जो भी पॉइंट मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ उससे रिलेटेड मेरे पास कोई ना कोई वीडियो हो जिससे कि आप मेरे पॉइंट्स को पॉइंट टू पॉइंट क्लियरली समझ सको। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि इस तरीके के मतलब रेड कलर में आपको नीचे मेरे चैनल के साइड में एक लोगो दिखेगा, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियोस मैं पोस्ट करूं जो कि इन्फॉर्मेटिव हो वो आपके तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। और अगर हम बात करेंगे कि मतलब सब्सक्राइबर्स का क्या कंडीशन चल रहा है तो अभी हमारे 1 लाख व्यू कंप्लीट हो गए हमारे चैनल पे और बहुत ही जल्द अभी हम 1K सब्सक्राइबर को मतलब कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद मैं गिव अवे एक लाने वाला हूँ, तो आई होप आप लोग मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते जाओगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आज का ये वीडियो जो है होगा वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इस टॉपिक पे वीडियोस तो बहुत सारे हैं लेकिन मेरा आज बताने का कुछ तरीका इस तरीके का होगा जिससे कि आप इस मतलब सारी चीज़ों को माइंड में आप एक तरीके से स्टक कर लो। तो सबसे पहला आज का ये जो टॉपिक है ये है कि प्रेग्नेंट डॉग केयर टिप, मतलब आप प्रेग्नेंट डॉग का कैसे केयर करते हो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं अपने मतलब प्रेग्नेंट डॉग का केयर नहीं करता हूँ, मेरे घर में जो फीमेल डॉग्स है बहुत सारे ऐसे मेरे ब्रीडर होंगे जिनके घर में फीमेल डॉग्स होंगे और उन्होंने मतलब ब्रीडिंग कर रखा है या आगे ब्रीडिंग करने का प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप कुछ भी आगे करने के लिए जा रहे हो उससे पहले आप उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर ले लो तो वो काम करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मतलब अगर आप अपनी फीमेल डॉग का केयर नहीं करते हो, सिर्फ मेटिंग करवा कर छोड़ देते हो, तो क्या होता है कि फीमेल डॉग इससे पहले जब आपने इससे पहले ब्रीडिंग उसकी नहीं करवाई थी तो क्या था कि इससे पहले वो सिर्फ अपने सिंगल लाइफ को जी रही थी, लेकिन जब आपने मेटिंग करवाया वो कंसीव हो चुकी है तो क्या होता है कि उसके बॉडी में और अदर लाइव्स भी आ जाते हैं और बहुत सारे जाने उनके बॉडी में आ जाती है, उसके बच्चे आ जाते हैं। तो क्या होता है कि आपको मतलब उस फीमेल का केयर करते करते साथ में उसके जितने बच्चे होते हैं उनका भी केयर करना होता है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आपको इसमें ऐसे डाइट रखने होते हैं जिसका न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा हो, अमाउंट कम हो, उसके टाइमिंग अलग अलग होते हैं, इसका एक्सरसाइज अलग होता है, तो इस तरीके के मतलब कुछ मतलब इसका कैरिकुलम होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है। अगर इस कैरिकुलम को आप कंटिन्यू फॉलो करते हो तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है और कम मेहनत में, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है ना ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। क्योंकि कई बार आप देखते होंगे कि फीमेल मेटिंग के बाद मतलब पहले से ही अवॉर्ड हो जाती है, मतलब बच्चे बाहर निकल आते हैं टाइम से पहले या बच्चे मरे हुए आते हैं, बच्चे अगर आते भी हैं तो बच्चे स्टक हो जाते हैं। ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिसके कारण क्या होता है कि मतलब जो ब्रीडर्स होते हैं वो सोचते हैं कि इससे अच्छा हम ब्रीडिंग किए ही ना होते, तब कम से कम ये प्रॉब्लम तो हमें फेस नहीं करना पड़ता। तो इसके लिए अगर ये सारी चीज़ें अगर आप शुरू से जानते हो तो आगे इसका प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करें कि आज का ये जो वीडियो होगा ये किस किस टॉपिक पर होगा। तो सबसे पहले आज का वीडियो ये होगा वो होगा केयर, मतलब आप फीमेल डॉग्स का कैसे कैसे केयर कर सकते हो, आप क्या उसे मतलब कैसे उसकी डाइट को मेंटेन कर सकते हो, कैसे उसका ग्रूमिंग कर सकते हो, कैसे एक्सरसाइज दे सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसे कैसे एक्सरसाइज दोगे, उसमें क्या क्या मेडिसिन यूज़ करने हैं और उसमें सप्लीमेंट्स क्या क्या देना है। तो आज का ये वीडियो पूरा इसी टॉपिक पर होने वाला है। तो सबसे पहले मैं मतलब आपको बता दूँ कि डाइट मेटिंग के बाद फीमेल डॉग में सबसे मेन रोल प्ले करता है उसका डाइट। आप क्या खिला रहे हो अपने डॉग को, क्या वो डाइजेस्ट कर रही है, ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको फीमेल डॉग्स में जो डाइट होगा इसके लिए मैं एक आगे मतलब एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। अभी मैं मतलब बहुत ही जल्द ब्लॉग भी लॉन्च करने वाला हूँ, मेरे 2-3 ब्लॉग्स आ चुके हैं अपने मेरे चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ देख सकते हो। तो उसमें मैंने बताया कि मैं अपने डॉग्स को क्या डाइट देता हूँ, कैसे डॉग फूड यूज़ करता हूँ, कौन सा होममेड फूड देता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं डेली मतलब ब्लॉग्स जो डालता हूँ उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इसे अगर उसमें थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर देखते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं डाइट का बात करूँ तो आपको डाइट में क्या करना है कि फीमेल डॉग्स का जैसे जैसे प्रेगनेंसी पीरियड बढ़ता जाएगा, जैसे वो 1 महीने कवर करते हैं 1 महीने तक आपको उसका डाइट नॉर्मल रखना है, जैसे आप पहले घर में दे रहे थे नॉर्मल खाना उस तरीके का डाइट रखना है। लेकिन जब वो 1 मंथ क्रॉस करती है तो क्या होता है कि उसके मतलब स्टमक में एम्ब्रियो या फेटस जिसको बोलते हैं फिटस वो ग्रो हो जाता है, मतलब छोटे छोटे बच्चे बन जाते हैं। तो क्या होता है कि अब उनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, अब उसे जितना न्यूट्रिशन दोगे बच्चे का हेल्थ उतना अच्छा होगा, उतने बच्चे न्यूट्रिशियस पैदा होंगे और क्या होगा कि आगे उन्हें सर्वाइविंग उसका रेट जो है वो बहुत हाई रहेगा।
इसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको मतलब वेल मेंटेन डाइट देना होता है। उसमें आपको मल्टीविटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, ये सब नेचुरल सोर्सेज से उसे प्रोवाइड करनी होती है। इसके लिए मतलब मेरे ब्लॉग्स में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि आप देखकर इस चीज़ को समझ सकते हो। दूसरा, अगर हम बात करें ग्रूमिंग, तो अपने डॉग को ग्रूमिंग करना कैसे करना चाहिए। कई बार देखते हो कि कई फीमेल क्या होता है कि जब बच्चे देती है तो अपने बच्चे को छूती नहीं है, बच्चे से दूर भागती है, ऐसा देखे होगे आप। उसका क्या रीज़न होता है कि मतलब उसने अभी तक मतलब उसके अंदर केयरिंग का नेचर नहीं आया है, क्यों। और कई बार ऐसा होता है कि वो अपने ऑनर को काटने भी लगती है जब वो मतलब बच्चे देती है। उसका मेन रीज़न है कि उसके ऑनर ने कभी उसके बॉडी पर हाथ ही नहीं रखा, हाथ भी रखा है तो जैसा फेरना चाहिए उसके शरीर में जो एक अनवांटेडनेस है, जो मतलब लोगों से दूर रहने की आदत है, वो अभी तक बना हुआ है। और जब ऑनर बच्चे देने के बाद उसमें टच होते हैं तो वो उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाती। इसके लिए आपको क्या होता है कि एक कॉम्ब लेकर, एक नॉर्मल को ब्रश मिलता है, उससे उसके बॉडी को मतलब 30 डेज के बाद जब टाइम मिले, 2-3 दिन में एक बार उसके बॉडी को अगर कॉम्ब करते हो, और उसके मतलब उल्टे साइड में एक स्पाइक्स होते हैं छोटे छोटे, उससे आप उसके निप्पल को ऐसे ऐसे करके टच करते हो, उससे क्या होता है कि उसका मिल्क ग्लैंड जो होता है वो खुल जाता है और दूध भी अच्छा उतर कर आता है फीमेल डॉग्स में, और वो अपने बच्चे को मिल्क फीडिंग भी बहुत अच्छे से करवाती है। ये खास करके जो फर्स्ट टाइम मदर बनती है, जो भी फीमेल डॉग, उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हो। इसे मैं बोनस टिप्स में डालने वाला था, लेकिन मतलब मैंने सोचा कि अभी स्टार्टिंग में आपको बता दूँ ताकि आपका रिटेंशन बना रहे। फिर बात करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपको अपने डॉग्स को प्रॉपर वॉकिंग करवाना है, अच्छे से उसके लीज को पकड़ के बांध कर, कभी खोल कर प्रेगनेंसी में अपने डॉग को एक्सरसाइज मत करवाइए, क्योंकि वो एनिमल है, हो सकता है किसी पर अटैक करने के लिए अगर वो जंप करता है तो उसके स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चे स्टक हो सकते हैं अंदर में। इसके लिए हर हमेशा लीज पर रख के उसे आप घुमाइए। वॉकिंग जितना करेंगे उसका कॉन्ट्रेरी मसल्स जितने उसके बॉडी में होते हैं वो सब फ्लेक्स रहेंगे, बहुत ही लूज रहेंगे, जिससे क्या होगा कि उसको डिलीवरी टाइम पर बहुत ही हेल्प मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि मतलब उसे और क्या मतलब आप कर सकते हो इसमें, तो आपका एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि आप उसमें मेडिसिन क्या क्या दे सकते हो। तो सबसे पहले 40 डेज के बाद कॉमनली आप जो यूज़ करते हो, अगर एपेटाइट डॉग का लो नहीं होता है तो भी आपको अपने डॉग्स में गैस का मेडिसिन, गैस्ट्रिक जो सिरप आता है या टैबलेट आता है, कोई भी अपने डॉग में यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा कि उसे गैस नहीं बनेगा और उसके मिल्क में पॉइजन का बहुत कम चांस रहेगा। और कुछ खास ऐसा मैं मेडिसिन आपको कंसल्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कुछ ज़रूरत मुझे लगता ही नहीं है। अगर आप अच्छे से शुरू से अगर होम डाइट दे रहे हो, हमारे द्वारा बताया गया जो हम डाइट प्लान बनाते हैं, अगर उसे फॉलो कर रहे हो, तो हम सारे चीज़ों को होम डाइट में ही कंबाइन कर देते हैं, अलग से कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हाँ आपको सप्लीमेंट देना है तो आप 45 डेज के बाद कैल्शियम सप्लीमेंट एंड मल्टीविटामिन सप्लीमेंट ऐड कर सकते हो अपने डॉग के डाइट में, फीमेल डॉग के डाइट में। उससे क्या होगा कि मतलब ये फीमेल डॉग जो है वो एनर्जी कंजर्व करके रखेगी ताकि डिलीवरी के टाइम वो अपना सारा एनर्जी पुट ऑन कर सके। और सप्लीमेंट में कुछ ऐसा चीज़ देने को नहीं होता है। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। ज़्यादा मतलब मैं इस वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को क्या होता है कि ज़्यादा लंबा वीडियो देख नहीं पाते हैं, तो और बहुत सारा नॉलेज उनसे बचा रह जाता है। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर पसंद आता है आपको इस तरीके का वीडियो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं इस तरीके के वीडियोस को आगे और कंटिन्यू करते रहूं। और आगे आने वाले समय में आप इस चैनल को ग्रो होते देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।